हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? थ्री मिथाइल हैग्स टू इन ऑन रिएक्शन विद द HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट ए। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ए इज। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है किसके बच्चों? ए के। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, थ्री मिथाइल हैग्स टू इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे सफिक्स में देख लो हैग्स है, तो भाई 6 कार्बन की एक चेन बना लो भाई। इस तरीके से ये हुआ एंड ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, एंड 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना, ये 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, और 3 पे आपके पास क्या लग रहा है? मिथाइल ग्रुप। ये इस तरीके से हो जाएगा ऑन रिएक्शन विद द HBr। ठीक है ना, किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? HBr की। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? H2O2 की। में तो खार्स इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा? खार्स इफेक्ट, या फिर यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है बच्चों? जो ये हमारा एच, यहाँ पे एच बी आर है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? एच पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, एंड ये आपका किसकी फॉर्म में होता है? बी आर नेगेटिव की। तो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है ना, वो किस कार्बन एटम पे जाके जुड़ेगा? तो वो अभी हम बताते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल, जो ये एच पॉजिटिव है, ये हमारा उस कार्बन एटम पे जाके जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर आप देखो तो यहाँ पे एक है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन था वो कहाँ जाके जुड़ता? यहाँ जाके जुड़ता। एंड जो बी आर नेगेटिव था वो किस कार्बन पे जाके जुड़ता? इस कार्बन पे जाके जुड़ता। बट जैसे ही आपने H2O2 यूज करा, वहां पे क्या लगेगा बच्चों? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो अब जो H था ना हमारा, हाइड्रोजन था, वो किस कार्बन पे जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पे। तो कार्बन पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये हुआ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हाइड्रोजन आके जुड़ गया अपना, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा। एंड जो बी आर है हमारा, वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा बच्चों? तो वो बी आर आपका यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आपसे पूछा है, तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n करके हम स्टीरियो आइसोमर्स बता सकते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो सेंटर बच्चों ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर क्या होगा, आज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस कार्बन को, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे एक अलग ग्रुप है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको स्टार मार्क कर लो। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे बच्चों, ये मिथाइल एंड यहाँ पे आपकी ये प्रोपाइल की चेन हो गई, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? CHBrCH3, ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड ये हाइड्रोजन, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो बच्चों ये भी आपका क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो 2 की पावर n के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 = 4 हो जाएंगे बच्चों। तो फाइनल आंसर विल बी द 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।